नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप लोगों के बाल भी समय से पहले सफेद हो रहे हैं? आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते जा रहे हैं? आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, साथ में गठिया ने आपको बहुत टाइम से जकड़ा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है, या आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उनमें प्रॉपर से हाइड्रेशन नहीं रहा, आपकी आंखों में सूजन रहती है, आंखों की कोई भी तकलीफ आप अगर फेस कर रहे हैं, इसके साथ अगर आपको डायबिटीज है, आपका इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुका है, पाचन क्रिया बहुत स्लो हो गई है, या आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैंसर से बचना चाहते हैं, इतना ही नहीं अगर आप अपने हाई बीपी को कंट्रोल करके साथ साथ अपने हार्मोन को भी बैलेंस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर रहें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपके सर से लेकर पैर की हर बीमारी का इलाज, वो भी बहुत सस्ते में। आप सिर्फ ये एक चम्मच खा लीजिए, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं किस चीज का खाना है हमें एक चम्मच, जो इतनी सारी तकलीफों से बचा सकता है और किस तरह से हमें किस बीमारी में उसका इस्तेमाल करना है। आज मैं बात कर रही हूँ अलसी के बीज के बारे में, यानी फ्लैक्स सीड्स। कभी कभी सेहत व सौंदर्य का सारा खजाना हमारे घर में मौजूद होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज को वजन कम करने, बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। अलसी के बीज का सेवन करने से कई बीमारियां हम दूर कर सकते हैं। अलसी के बीज को खाने का सही तरीका पता हो तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है। अलसी के बीजों को फ्लैक्स सीड्स यानी लिनसाइड्स भी कहते हैं। ये आकार में छोटे व रंग में भूरे और सुनहरे होते हैं। अलसी के बीजों को साबुत खाने के साथ इनको पीस कर बीजों का पाउडर बना के भी खाया जा सकता है। अलसी का तेल भी काफी गुणकारी है, इससे शरीर में ऊर्जा और सुफूर्ति बनी रहती है। आयुर्वेद में भी अलसी के बीजों के फायदे के बारे में बात की गई है। अलसी के बीज का सेवन करने से कफ की समस्या राहत मिलती है। ये काफी पौष्टिक माना जाता है और शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन है तो अलसी के तेल से मालिश करें, आपकी तुरंत वहाँ की सूजन गायब हो जाएगी। अलसी यूं तो गुणों की खान है। अलसी के बीज व तेल में अल्फा लिनोनाइड एसिड होता है, जो कि एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। 100 ग्राम अलसी में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। अलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से अलसी को त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से त्वचा में कोलेजन प्रोडक्शन और नए सेल्स का निर्माण होता है। इससे आपकी त्वचा का ग्लो बढ़ता है, आपकी त्वचा में नए सेल्स जनरेट होते हैं और आपकी बढ़ती उम्र बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है। मतलब अगर आप इसको खाना शुरू कर दें तो आपको फिर बुढ़ापे की तो कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि आपका बुढ़ापा बहुत स्लो हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, लेकिन स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस कम लेना है, हेल्दी डाइट खानी है और पानी ज्यादा पीना है, तो बस अलसी अपना पूरा असर आपकी स्किन पे दिखाएगी। आपको महंगी वाली एंटी एजिंग क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस रूटीन में 1-2 चम्मच अलसी के बीजों को शामिल जरूर कर लें। अक्सर महिलाएं हार्मोन असंतुलन की समस्या से जूझती हैं। अलसी में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन के कारण ये महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। मेनोपोज के समय महिलाओं को बेचैनी, अत्यधिक गर्मी लगना, अनियमित ब्लीडिंग, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द होता है। हार्मोन को संतुलित रखने में अलसी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, तो अलसी को अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल जरूर करें। लेकिन जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसको रेगुलर फॉलो किया करें। आप लोग क्या करते हैं, एक दिन मिस करते हैं, एक दिन खाते हैं, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं रहता। आप 1 महीना लगातार इसका सेवन करें, फिर 20 दिन का गैप दें, दोबारा से आप उसको 1 महीने के लिए शुरुआत करें, ताकि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट भी ना हो और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकें। अलसी के बीज का उपयोग ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। इसे हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे रोगियों के लिए काफी कारगर है। अगर आपको भी बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है तो आप अलसी के बीज का सेवन करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपको बीपी की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपके बीपी को कंट्रोल करेगी। बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए अलसी के बीज आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, पेट के कैंसर हो, ये उन सबसे लड़ने के लिए अलसी कारगर मानी गई है। अलसी के बीज में लिगनेन नाम का स्तर अधिक होता है, इसके गुणों से ये ब्रेस्ट कैंसर से आपकी बहुत अच्छे तरीके से और बाकी सारे कैंसर से आपकी शरीर की रक्षा करती है। अलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन गुणों से त्वचा पर हो रही जलन,
सूजन और लालिमा को कम करने में मदद मिलती है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखता है और त्वचा पर अगर किसी प्रकार का भी कोई घाव हुआ है तो वो जल्दी भरना शुरू हो जाता है। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो अलसी का सेवन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, लिगनेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि वजन कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलसी प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के सेवन से वजन कम होता है। भोजन में फाइबर अधिक होने से लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और अलसी का सेवन करने से आपका वजन तो कम होता ही है और शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता है। कुछ लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है या उनका हाजमा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता या उनके बहुत ज्यादा उनको गैस बनती है, पेट फूलने की समस्या है, खट्टी डकारों की समस्या है, तो ऐसे में रोजाना अलसी का एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें और सारी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएं। अलसी के बीज एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। इनका सेवन करने से हमारी जो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर हो गई है वो इससे बूस्ट अप हो जाती है, तो आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फ्यूचर में हमें किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से डरने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी वायरस। अगर आप भी डायबिटीज के शिकार हैं तो ऐसे में अलसी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अलसी के बीजों में होता है अल्फा लिनोनेट एसिड, फाइबर और प्रोटीन जो आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपकी डायबिटीज को जड़ से खत्म करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बालों की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक सी गई है, तो ऐसे में आपके लिए अलसी का एक चम्मच आपके बालों को स्वस्थ कर देगा। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्लैक्स सीड जो खराब और रूखे बालों के लिए गुणकारी है। अलसी के नियमित उपयोग से आपके डैंड्रफ, खुजली, बालों का टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके शरीर में आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, शरीर में गंदगी जमा हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में अवशोषण करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करके बैड कोलेस्ट्रॉल को आपके शरीर से बाहर निकालती है। अगर आपको पुराने से पुराना गठिया है, जोड़ों का दर्द है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, नसों में सूजन है, आपके हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं रही, दवाइयां करके थक चुके हैं, तो आप अलसी का सेवन करें। इसका एक चम्मच आपको पुराने से पुराने घुटनों का दर्द, गठिया से राहत दिलाएगा। कुछ लोगों को ड्राई हाई सिंड्रोम होता है। इस समस्या में आंखों की जो भारी परत होती है ना, उसकी लुब्रिकेशन नहीं मिल पाती, जिससे आंखों की अक्सर जलन रहती है या आंखों की रोशनी आपकी कम होने लगती है, तो ऐसे में अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो ये तो था अलसी से होने वाले अद्भुत फायदे। तो ऐसे ही अलसी को अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल करें और भयंकर रोगों का घर बैठे बैठे इलाज करें। कभी भी कोई बीमारी हो तो उसके लिए डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसों के साथ साथ आपकी सेहत भी खराब होगी। एक बीमारी के लिए जाएंगे 10 बीमारियां साथ खड़ी कर देंगे, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो आपकी इम्यून सिस्टम पे सीधा सीधा आपके पाचन तंत्र पे इफेक्ट डालती है। पाचन तंत्र गया तो मोटापा, शुगर, डायबिटीज, हाई बीपी, और अगर आपकी इम्यून सिस्टम गया तो दुनिया जहान के वायरस आपके अंदर और आप टाइम से पहले ऊपर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही निरोग जीवन जिएं और हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें वीडियो को लाइक और शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जोश के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।